पहले भी बोला था, अभी फिर बोल रहे हैं, और जब तक बोलते रहेंगे जब तक तुम लोग ऐसा काम करते रहोगे। बोला था तेरी नफरत का कारण हमारी समझ में आ रहा है, तेरी नफरत उस हरप्रीत का नाम लेके तू अपनी बात रख लेना। तू सभी सिखों को, सभी किसानों को, सभी पंजाब वालों को कैसे बोल रहा है, कैसे कह रहा है? पहले ही बोला था अगर कुछ भी बोला किसानों के खिलाफ तो वो सुना नहीं जाएगा, पहले ही बोला था। लेकिन कुछ लोगों को ना कुरकुरी होती है, रुकया नहीं जाता उनसे, रुकया नहीं जाता। और पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे ना चक दे फट्टे नप दे गिल्ली, आज शंभू कल नू दिल्ली। और जैसे ही दिल्ली आएंगे तो मेरे को पता है इनकी नफरत और ज्यादा बढ़ेगी, इनकी नफरत सोशल मीडिया पर निकलती है। तेरे अंदर इतना ही दम है, तू बोलता अगर कोई हाथ लगा देगा तो फलान देव की सौगंध, महादेव की सौगंध। अबे तू है क्या गोबर, तू है क्या सौदा, इसकी सुनना एक बार। और चीज मैं पहले इसके कहना चाहता हूँ, इसके पहले मैं कब पांच कारण दूं आपको। ये अन्नदाता कौन है, ये कौन अन्नदाता है? केरल का किसान अन्नदाता नहीं है, तमिलनाडु का किसान अन्नदाता नहीं है, कर्नाटक का किसान अन्नदाता नहीं है, आंध्र प्रदेश का किसान जो है अन्नदाता नहीं है, तेलंगाना का किसान अन्नदाता नहीं है, उत्तर प्रदेश का किसान अन्नदाता नहीं है, मध्य प्रदेश का किसान अन्नदाता नहीं है, मणिपुर का, राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, कहीं का किसान अन्नदाता नहीं है, सिर्फ एक जगह का किसान अन्नदाता है, वो पंजाब। राइट सर, ये प्रोपेगेंडा करते हैं लोग, इनको एमएसपी एमएसपी नहीं चाहिए, इनको देश में अराजकता फैलानी है। मैंने बहुत सर, मैं बड़े, किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना सर, बताइए, किसी, किसी को तो बोलना पड़ेगा, हमारी ट्रोलिंग हो जाएगी इंटरनेट पे, यार मत बोलो, अरे भाड़ में गई ट्रोलिंग, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा, बहुत हो गया ये बॉर्डर रोकना, ये करना, गुंडागर्दी करना। सर ये लाखों रुपए के ट्रैक्टर पे दो दो तीन तीन लाख रुपए के म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं, 50-60 लाख रुपए की सनरूफ वाली फॉर्च्यूनर के पीछे ट्रॉली लगा के ये लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि 6 महीने का राशन, 6 महीने का डीजल पंजाब से अपने साथ लेकर आए हैं। ये कौन सा गरीब किसान है जो 6 महीने का डीजल और 6 महीने का? अब सुन गोबर, तो जवाब सुना थोड़ा ध्यान से। पंजाब तो बगैर एमएसपी के भी पूरे देश का पेट भरता है, और पंजाब में तो कुछ फसलों के ऊपर एमएसपी भी है, हरियाणा में भी एमएसपी है, हरियाणा भी साथ में खड़ा होगा। खापों ने ऐलान कर दिया, ट्रैक्टर ट्रेलिया लेकर भी खापे भी जाएंगे। और रही बात तेरी इस तकलीफ की कि और कहीं का किसान क्या अन्नदाता नहीं है, आंदोलन सिर्फ पंजाब से खड़ा क्यों होता, क्योंकि पूरा देश पंजाब के पीछे चलता है। तेरी तकलीफ को दूर करेंगे, एमएसपी पूरे देश को चाहिए, लेकिन आवाज उठाने के लिए पंजाब चाहिए। पंजाब जैसे आवाज उठा, तेरे जैसे गोबर के कीड़े निकल के आते हैं और विरोध शुरू करते हैं। निशान साहिब भैया, निशान साहिब, तेरे पिताजी ने भी ये सिर पे लगाया था, तब तेरा मुंह नहीं खुला, अब तू तेरे पिताजी को संबोधित करके बोल रहा है। तो सुन, पंजाब पूरे देश का पेट भरता है, जिसको अन्न का कटोरा कहा जाता है वो है पंजाब, और चाहिए अपनी मेहनत का फल मांग रहे हैं एमएसपी। तेरे बाप ने बोला था कि अपैली कलम से किसानों को एमएसपी दी जाएगी, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, तेरे बाप ने बोला था, तूने वो बात तो नहीं बोली अपने बाप को? तू अपने बाप को बोलना, तेरी तकलीफ हम मानते हैं, तेरी तकलीफ हरप्रीत से है भाई, उन्होंने लव किया था, पता ना किसके साथ किया था, फिर दोबारा तेरी उसके साथ भी हो गया, तो तेरी तकलीफ दो बंदों से है। तू सभी पंजाब वालों को, सभी किसानों को कैसे टारगेट कर रहा है? अरे गोबर के कीड़े कैसे टारगेट कर रहा है तू सभी को? तेरे को शर्म आती थोड़ी बहुत? इतने लाखों रुपए के ट्रैक्टर लेके, लाखों रुपए म्यूजिक सिस्टम लगा के, शौक है ये, शौक है पता ना मित्रा नु शौक है, फिर तेरी तकलीफ होगी शुरू, फिर तकलीफ शुरू होगी। यहाँ तो जहाज जोर से दवाई का छिड़काव करते हैं किसान, वो किसान भी पंजाब के ही हैं, जहाज से हेलीकॉप्टर से दवाई छिड़कते हैं अपनी भूमि के ऊपर। जब तुम्हारे को अन्न चाहिए तब तो तुम्हारे को पंजाब और हरियाणा चाहिए, जब अपनी हक की मांग करते हैं तो ये आतंकवादी कहाँ से बोल रहे फंडिंग हो रही, कहाँ से? पाकिस्तान से। पिछले आंदोलन में भी यही बोला था, तूने भी बोला, और जितने भी कीड़े थे वो गंदी नाली के कीड़े निकल निकल, तेरे जैसे कीड़े बहुत हैं इस सोशल मीडिया के ऊपर, और वो कीड़े भी निकल निकल कर सामने आए थे, उन्होंने भी खूब चिल्लाया था ये किसान नहीं है। आ जाना जब दिल्ली बॉर्डर पर बैठेंगे ना, आ जाना, तू पनीर कहेगा तेरे को पनीर खिलाएंगे, तू चिकन कहेगा तेरे को चिकन भी खिलाएंगे, जो चीज़ कहेगा वो खिलाएंगे, ये किसान है, सबको देना जानते हैं ना, तो हलक में हाथ दे के अपना हक लेना भी जानते हैं। और अब वो हलक में डंडा आएगा, पिछली बार तेरे बाप की तपस्या में कमी रह गई थी ना, अब की बार उस पूरी तपस्या को ही भंग कर देंगे, ये भी याद रखना, वो पूरी तपस्या भंग होगी अब की बार, याद रखना। ये पंजाब है, पंजाब, इसने पंजाब कह दिए हैं, गिण गिण के बदले लेंदा है नु पंजाब कह दिए हैं। तकलीफ होती है बेटा तेरे को, कोई पंजाब का सिंगर गाना गा दे तेरे को उससे तकलीफ होती है, ये पंजाब के किसान आ गए तेरे को इससे तकलीफ हो रही है, तेरे को हर चीज़ से तकलीफ क्यों होती है आज तक हमारी समझ में नहीं आया है। बाकी हमारी समझ में तो आ गया है, तेरी में नहीं आया है। तेरे को तकलीफ सिर्फ दो आदमियों से है, उन दो आदमियों का नाम ले और उनके लिए बोल, उनके लिए कर, कोई दिक्कत नहीं है, उनका ले सकता है तू, लेकिन सभी का नाम नहीं ले सकता। सभी का लेगा, आज जब बॉर्डर चले जाएंगे, हरियाणा का नहीं बोलता तू,
एक दिक्कत मेरी तेरी समझ में नहीं आई, तू हरियाणा के बारे में क्यों नहीं बोलता? हरियाणा वाले भी हैं उधर साथ में, उनके लिए तू बोल नहीं सकता। बोल के दिखा, तू संबोधित किसको कर रहा है? तू प्रधानमंत्री को संबोधित कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने बोला था, उसको बता देना तूने एमएसपी का और कर्ज माफी का बोला था, वो क्यों नहीं दे रहा? उसके लिए तू बोल नहीं सकता क्योंकि तेरे फॉलोअर भाग जाएंगे। समस्या ये है ना, सच बोलना सबके बस का नहीं होता। सच तू बोलेगा नहीं, नहीं बोलेगा जब तक तेरे को छोड़ेंगे नहीं। वैसे वो पर्सनल कमेंट अब दोबारा नहीं करूंगा, लोगों ने बोला था भाई इसकी पर्सनल बातें मत बता। वो पर्सनल बातें जो तेरी बताई थी, वीडियो हटाएंगे नहीं, लोगों ने बोला वीडियो हटा, वीडियो नहीं हटाता मैं कभी भी, इस चीज़ का ध्यान रखना, वीडियो हटेगा नहीं। वो बातें सबको सुनाई देती रहेंगी, अगर किसी ने अभी तक नहीं सुना है वो लिंक दोबारा डाल दूंगा, फिर सुन लेना। इसको तकलीफ क्यों है पंजाब वालों से? वो तकलीफ असली है, नकली तकलीफ नहीं है। अब तो पंजाब और हरियाणा दोनों है, यहाँ से खापो का ऐलान हो गया। तू खापो के बारे में बोल नहीं सकता, खापो के लिए तो कोई भी नहीं बोल सकता, तेरे को पता है। तेरा पिताजी अभी हरियाणा में आया हुआ था ना, बोल के दिख गया कुछ भी नहीं बोल के गया? वो पहली कलम गुम होगी क्या तेरे को? तब भी वो वीडियो सुनाया था, दोबारा सुना सकते हैं। तेरे बाप का कहना है हम अपने पास से नहीं मांग रहे एमएसपी, एमएसपी के लिए बोल हुआ था, खुद बोलिया हुआ है, और खुद मना क्यों कर रहे हो? जब एमएसपी के लिए बोल रखा है फिर मना क्यों किया जा रहा है? ये चीज़ समझ में नहीं आती। फिर तेरे जैसे कोई खुला छोड़ दिया जाता है, वो तेरे जैसे शुरू हो जाते हैं, फिर तेरे को दिखाना पड़ेगा एमएसपी के लिए बोला किसने था, वो दिखाना तेरे को बहुत ज़रूरी इसलिए हो गया है क्योंकि एमएसपी का लोग कह रहे हैं भाई एमएसपी के लिए, मोदी सरकार आने के बाद एमएसपी के लिए आंदोलन हुआ है। ये क्या था भाई? ये मोदी का ही भड़काया हुआ है, एमएसपी का तीर जो छोड़ा हुआ ना मोदी का ही छोड़ा हुआ है। मोदी ने बोला था एमएसपी के लिए कि एमएसपी दी जाएगी, अब मना क्यों कर रहे हो भाई? जब एमएसपी की बात उठ रही तो फिर मना क्यों कर रहे हो? तू बता दे अब इस चीज़ का जवाब दे देना। तेरे को तूने बड़ा जवाब दिया, बड़ा निकाल के ले आया कि ये ढाई ढाई लाख के ट्रैक्टर, दो दो लाख के म्यूजिक सिस्टम, ये तो चलेगा। अब तेरा दिल करे तो आ जाना, अब जब दिल्ली पहुंच जाएगा तब आ जाना, तब तू देख लेना कैसे रहते हैं क्या करते हैं, फिर दिल्ली मिलेंगे। तेरे तकलीफ बन, तू बोलता है ना कि तू क्या बोल रहा है कि अगर किसी ने हाथ लगा दिया, तू बोलता है तिरंगे को हाथ लगा दिया तो पुलिस वालों ने तिरंगे के डंडे मारे थे, तूने उनके लिए कोई शब्द निकाल लिया? हमने बोला था उल्टा उनको, हमने बोला था उन्होंने तिरंगे के डंडे मारे थे, तू वहाँ पर भी नहीं बोला। तू जिस टाइप के फॉलोअर रखता रख, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोबारा तूने ऐसी बातें उठाई या ऐसे सवाल उठाए तेरे को फिर जवाब दिया जाएगा और जवाब तेरे को ठोक कर मिलेगा। अब तेरे बाप को बोल, तेरे बाप ने एमएसपी के लिए बोला था कि अब तू एमएसपी देने से मना क्यों कर रहा है? तब तो तू क्या बोलता था? तब ये एमपी नहीं था, एमएलए नहीं था, तब ये प्रधानमंत्री भी नहीं था, तब बोला था इसने एमएसपी का। एमएसपी के लिए किसानों को उठाने वाला खुद मोदी साहब है, अब इस मोदी साहब को एमएसपी देने में दिक्कत क्या हो रही है? प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? एमएसपी तो लेके जाएंगे। ये बात और है कि पिछली बार तपस्या में कमी आई थी, अब की बार तपस्या भंग होगी, तो उस तपस्या भंग के लिए तैयार हो जा, बाकी और भी बहुत कुछ भंग होगा अब की बार। और ये भूल जाना कि हरियाणा और पंजाब में कभी सरकार बना लेगा, नहीं बना पाएगा। पंजाब में तो भूल ही जाना, कितना ही चिल्ला ले कितना ही चीख ले, जो चाल चल रखी है उसका भी जवाब दिया जाएगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। और दोबारा बोल लगा तो और भी ज्यादा पर्सनल डिटेल है तेरी, वो निकाल कर दे देंगे, पिछली डिटेल ऐसे ऐसे और निकाल देंगे। गज के आंखों, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।